हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हो भक्कम नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको HP 1005 प्रिंटर का कॉटरेज का रिफिलिंग करना सिखाएंगे। रिफिलिंग करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है। आज एक वीडियो बना के हम आपको दिखा रहे हैं कैसे रिफिलिंग किया जाता है HP 1005 प्रिंटर के कॉटरेज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा HP 1005 प्रिंटर। इसको ओपन करते हैं, इसका कॉटरेज निकालते हैं। पहले यहाँ एक बटन दिया है, उसको प्रेस करके ऊपर वाला ढककर ऊपर करेंगे। अंदर में इसका कॉटरेज लगा हुआ है। मैं कैमरा से नज़दीक जाकर दिखा देता हूँ कि इसका कॉटरेज कहाँ पर है। ये है इसका कॉटरेज। इसको हाथ अंदर घुसा के उसको थोड़ा सा ऊपर मूव करते हुए निकाल लीजिए, फिर ये कॉटरेज बाहर आ जाता है। इस कॉटरेज का स्याही ख़त्म हो गया है, इसमें हम स्याही डालेंगे। कॉटरेज बाहर निकल गया है और ये हमने स्याही भी पहले से रख लिया है। हमारे पास दो कॉटरेज है लेकिन हम एक ही कॉटरेज का वीडियो बना के दिखाएंगे। ये हमारे पास दो कलर है, 1, 2। ये एक एक कलर 120 ग्राम का है। 120 ग्राम का एक बॉटल एक कॉटरेज में डालने के लिए पर्याप्त है। इसमें लगभग 2000 से 2500 प्रिंट निकल जाएगा, तो हम इसी को इसमें डालेंगे। वैसे 80 ग्राम का भी पाउडर आता है लेकिन हमारा ये कॉटरेज 12A का है जिसमें 120 ग्राम की कैपेसिटी है, तो इसे डालेंगे। ये हमारे पास कुछ सामान है जो डालने में हमारी मदद करेगी। ये है चाड़ी, जिसको चाड़ी कहते हैं, इसके थ्रू हम कलर को डालेंगे। ये पेचकस है, इससे हम इसका कॉटरेज का नट बोल्ट ढीला करेंगे, खोलेंगे कॉटरेज को। और इसके अलावा हमारे पास ये एक चिमटी है जो रिफिलिंग के समय काम आएगा। और हमारे पास दो चिमटी है, एक चिमटी टेढ़ा है, तो आप देखेंगे कि दोनों का यूज़ हम करेंगे, है ना। ये है ये दूसरी चिमटी, इसका भी यूज़ होता है। ये वीडियो में आगे देखेंगे कि कैसे इसका यूज़ होगा। अच्छा, तो हमारे पास इसके अलावा एक कपड़ा भी है। इस कपड़े से हम डस्ट को पोछेंगे, साफ़ करेंगे कॉटरेज के अंदर का। ये हमारे पास एक ब्लोअर मशीन है जिससे जो अतिरिक्त डस्ट है और जो जहाँ से कपड़े से साफ़ नहीं होगा वो इससे साफ़ हो जाएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। जिससे जितना ज़्यादा हम क्लीन करेंगे उतना ज़्यादा कॉटरेज साफ़ रहेगा और हमारा प्रिंट भी सही आएगा। अगर आपके पास ब्लोअर मशीन नहीं है तो कोई हर्जा नहीं है, आप सिर्फ कपड़े से भी साफ़ कर सकते हो। तो चलिए इसको पेचकस के थ्रू खोलते हैं। तो इसके बाद हमने स्क्रू ड्राइवर ले लिया है। अब हम इसमें कॉटरेज में दो नट दिखाई दे रहा है जो स्क्रू, इसको इस स्क्रू ड्राइवर या पेचकस के थ्रू इसको खोलते हैं। तो ये दोनों स्क्रू खोलने के बाद हम दूसरे साइड का भी वो स्क्रू खोलेंगे, मगर पहले अभी फ़िलहाल इसी साइड का स्क्रू अभी खोल रहे हैं। तो ये स्क्रू खुलने के बाद इसके ऊपर जो एक कैप सी लगी होती है उसको निकालेंगे पहले। तो ये स्क्रू बाहर निकल गया और ये ऊपर एक कैप जैसा है उसको भी निकाल लिए हैं हम। तो ऐसे निकालना है, वीडियो ध्यान से देखते जाइए। और ये ऊपर से जो ड्रम, इसको हम ड्रम कहते हैं, जो इसमें ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का है, तो ये ड्रम है। कभी कभी ब्लू कलर का भी होता है, तो इसको ऐसे खींच के हम निकाल लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि ये ड्रम डैमेज ना हो, है ना, आराम से निकाल देंगे। उसके ड्रम के जस्ट नीचे एक इसमें रोलर लगा हुआ है, तो इस रोलर को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, ये आसानी से बाहर निकल जाता है। ये इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसमें दूसरी साइड इसके एक स्प्रिंग सी लगी होती है, वो स्प्रिंग को हम निकाल लेते हैं। ये स्प्रिंग यहाँ पर लगी हुई है चिमटी के थ्रू, स्प्रिंग को निकालते हैं। ये चिमटी के थ्रू में हमने स्प्रिंग को निकाल लिया है, उसको भी साइड में रख लेते हैं। जो भी सामान इस पर निकालते जाएंगे उसको संभाल के रखना है, बाद में उसको लगाना भी पड़ेगा। अब हम ये बैंड वाला चिमटी लेते हैं और इसमें जो लॉक लगी होती है दोनों साइड, उसको ध्यान से देखेंगे कहाँ पर लॉक है और वो उसको हम निकालेंगे। तो ये मैं कैमरा में इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आपको शायद नहीं देखेगी, कोई बात नहीं है, आपको दिख जाएगा जब आप रिफिलिंग करोगे। तो इसको मैं बैक साइड से भी दिखा दूँगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। कैमरा से मैं पास से इसका वो जो लॉक है वो दिखा देता हूँ। ये जो बीच में स्टील का दिख रहा है, स्टील का एक रॉड जैसा,
हाँ ये इसका लॉक है। इसी लॉक को हम उस साइड से थोड़ा सा उस चिमटी के द्वारा, जो मुड़ा हुआ चिमटी है उससे प्रेस करके उसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं और इधर से पेंचिस के थ्रू पकड़ के बाहर खींच लेंगे, या फिर वहीं से पूरा वो तिरछी मुड़ी हुई चिमटी से ही वो पूरा बाहर फेंका जाता है। तो उसको मैं निकाल रहा हूँ, तो ऐसे यहीं से प्रेस करने से वो पूरा बाहर निकल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत निकला तो उसको पेंचिस से खींच लेंगे। तो ये हमने मुड़ी हुई चिमटी की सहायता से लॉक को अंदर से प्रेस करके बाहर की ओर निकाल लिया है, और जो दिखाई दे रहा है ये लॉक, इसको हम पेंचिस के थ्रू बाहर खींच लेंगे। दोनों तरफ का हमने प्रेस करके बाहर निकाला था, तो उसको खींच लेते हैं पूरा, ये लॉक खुल जाएगा इससे पूरा। तो जैसे ही लॉक खुलता है, कॉटेज दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। इसको इसमें दो कंटेनर होते हैं, जिसमें एक ओरिजिनल इंक डला हुआ रहता है और दूसरे कंटेनर में वेस्टेज इंक डला होता है। जब हम प्रिंट करते हैं तो कुछ इंक वेस्टेज हो रहता है जो इस वाले कंटेनर में भर जाता है, तो इस कंटेनर से उस वेस्टेज इंक को हमें साफ़ करना पड़ेगा। तो पहले इसे साफ़ कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसको साफ़ नहीं करेंगे तो फिर ये वेस्टेज इंक लीक हो के पूरा बाहर आते जाता है और पेपर में प्रिंट होते जाता है, और पेपर डर्टी प्रिंट होता होने लग जाता है। तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना है। ब्लोअर की सहायता से भी कर सकते हो, ऐसे भी साफ़ कर सकते हो। इसके अंदर कचरा भरा हुआ है, उसको मैं निकाल रहा हूँ, आप ऐसे आराम से निकाल सकते हो। तो ये देखिए, आप देख सकते हो कि इतना डस्ट, इतना वेस्टेज इंक जिसका कोई काम नहीं है, वो सब निकल रहा है यहाँ पर। तो अब ये मैंने दोनों कंटेनर ले लिए हैं, और इन दोनों कंटेनर को अब मैं ब्लोअर से साफ़ करने वाला हूँ। तो ये मैंने ब्लोअर ले लिया, और ये ब्लोअर लेके मैं थोड़ा सा बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि इससे मैं साफ़ करूँगा तो पूरा डस्ट कमरे में भर जाएगा। तो मैंने ब्लोअर ऑन कर लिया है, अब मैं इसको साफ़ करूँगा। अब मैं कॉटरेज का दूसरा पार्ट भी ले लेता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगा, क्योंकि इसमें भी ख़राब जो डस्ट है वो इसके मैग्नेट में चिपक गया है। और ये मेन कंटेनर है, इसी के अंदर हम अपना स्याही भरेंगे, जो सूखा पाउडर स्याही हमने नया लिया है 120 ग्राम का, वो इसी में भरेंगे। अब हम कपड़े की सहायता से इसका ड्रम साफ़ कर लेते हैं, और इसका रोलर भी साफ़ कर लेते हैं, और इसका जो भी पार्ट हमने निकाल के रखा है उसको साफ़ कर लेंगे। अब चलिए इसके मेन कंटेनर को हम ले लेते हैं, और इसका स्क्रू ड्राइवर से खोल लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर से खोल के इसी मेन कंटेनर में हमको कलर भरना है। इसमें भी एक कैप लगा रहता है, इस कैप को हम हाथ से आराम से निकालेंगे। ये कैप निकल गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक ढक्कन लगा है, उसको भी निकालना है। तो ये ढक्कन को आराम से निकाल लेना, क्योंकि ये ढक्कन थोड़ा सा मुलायम होता है, टूट भी सकता है। इसी कंटेनर में अब हमको कलर को भरना है, तो चलिए कलर का डिब्बा लेते हैं। ये कलर का हमारा डिब्बा है, 120 ग्राम का है। ये कलर हमें डालने से पहले इसको बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना पड़ेगा,
तो इसको हाथ से हम हिला हिला कर इसको मिक्स करते हैं ताकि इसमें कोई जमा हुआ रहे वो सब डिज़ोल्व हो जाए। तो इसको अच्छे से हिला लेते हैं। अब हम कलर को इसमें धीरे से डालते हैं इस चाड़ी के सहायता से ताकि कलर इधर उधर ना गिरे। हर एक पार्ट को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक नीब लगी हुई है उसको भी साफ़ करना है। जब जितना हम साफ़ करेंगे उतना हमारा प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा। तो इसे साफ़ कर लें। जो भी पार्ट्स हमने निकाल के इसमें से अलग किया है वो सब पार्ट्स को पहले एक बार अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, फिर सबको एक एक करके हम इसमें वापस लगा देंगे। फिर ये हमारा कॉटरेज रेडी हो जाएगा। वीडियो हालांकि थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन इस वीडियो को एक बार देखने के बाद आप पूरा इसमें पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है। तो वीडियो आराम से देखिए और अच्छे से देखिए, फिर आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।